जम्मू और कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से जुमरात को एकेडमी के सेमिनार हॉल में नौजवान शुरा के लिए मुशायरे की एक महफिल आरास्ता की गई। मुशायरे की सदारत नामवर शायर और अदीब रफीक राज ने अंजाम दी। आईवानी सदारत में रुखसाना जबीन बहसत मेहमानी खसूसी के तौर मौजूद रही, जबकि साबिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर जी आर सोफी ने मेहमानी दीवार के तौर शिरकत की। अदब से वाबस्ता अफराद के अलावा अदब से जौक व शौक रखने वाली कई अहम शख्सियात ने भी तकरीब में शिरकत की। वहीं निजामत के फराइज सलीम सालिक ने अंजाम दिए। जम्मू व कश्मीर में उर्दू शायरी के मुस्तकबिल के उनमान के तहत मुनक्कद किए गए इस यक रोज़ा मुशायरे में कश्मीर वादी के मुख्तलिफ अजला से आए हुए 30 नौजवान उभरते हुए शुरा ने शिरकत की, जिनकी उम्र 35 बरस से कम थी। ऐसे में इन उभरते हुए शुरा ने अपना मयारी कलाम हाजरीन के सामने पेश करते हुए दादो तहसीन हासिल की। इस मौके पर शरीक शुरा ने कल्चरल अकेडमी की पहल की तारीफ करते हुए कहा कि इस तरह की तकरीबात से नए और उभरते हुए लिखने वालों को न सिर्फ काफी हौसला बल्कि अपना कलाम वादी के नामवर शुरा के सामने पेश करने का मौका मिलता है। मेरा मानना ये है कि अगर ऐसे मुशायरे मुनाकिद होते रहे तो ये बहुत बड़ा साबित कदम साबित हो सकता है कि ये जो हमारी जनरेशन है आज की, ये राजू हो सकती है इसका, क्योंकि देखिए सारी दुनिया तक आवाज़ पहुँचती है, तो सुनने वाले बैठे हैं आगे और उनके दिल में भी आ सकता है कि हम भी उर्दू की तरफ जाएंगे। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा कदम है। ये तो सूझमन साबित होगा ही, बल्कि खुशाइन बात है कि ऐसे लोगों को मौका दिया जा रहा है जिन्हें पहले दबाया जा रहा था। तो अगर ऐसे लोग वापस आ जाएँ, हो सकता है कि मुस्तकबिल में फिर अदीबों की एक नई खेप, एक अच्छी सी फहरिस्त हमारे सामने आ जाएँ जो अदब की खिदमत कर सकें, तो ये बहुत अच्छी बात है। कि इससे पहले एक नौजवान शुरा का मुशायरा हुआ था और आज 2 साल बाद हुआ था, ऐसे इकदाम से लोग आगे बढ़ेंगे तो ऐसा होना चाहिए। शायद पास्ट में ऐसा ना होता हो, लेकिन अब होने लगा तो अच्छी बात। कोहन मशक शुरा पर यह फ़र्ज आयद होता है कि वह हौसला अफजाई के साथ साथ शेर व सखन के लवाजमात से भी बासलाहियत नौजवानों को आगाह करे, ताकि मुस्तकबिल करी में तापनाक शुरा की रिवायत को जिंदा रखा जा सके। कश्मीर यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक हैदर कहते हैं कि कश्मीर में तख्लीकी सलाहियत की कोई कमी नहीं है, तहम नई नस्ल को रहनुमाई और रहबरी की ज़रूरत है। एक बाहिस इत्मीनान है, बाहिस मसरत है कि हमारी जो नई पौध है, जो मुआसिर शोरा में अब अपना आहिस्ता आहिस्ता मकाम बना रहे हैं, इनसे हमारी कई उम्मीदें वाबस्ता है। और इनकी शायरी का अगर सरसरी भी मुताला किया जाए तो यकीन होता है कि जम्मू कश्मीर में उर्दू अदब का मुस्तकबिल जो है वो महफूज हाथों में है। जब तक न नए शायर की पजीराई की जाए, तब तक अदब शिनास अहले ज़ौक के लिए नया अंदाज फिक्र, नई सोच, नए असलूब की रंगीनी, नए ख्यालात और शगुफ्तगी से बनी नई शायरी की शादाबी किसी भी सूरत मैसर नहीं आ सकती है। कल्चरल अकेडमी के एडिटर सलीम सालिक का कहना है कि आज इस महफिल में नौजवान शुरा का कलाम सुनने के बाद ये महसूस हो रहा है कि जम्मू व कश्मीर में उर्दू का मुस्तकबिल रोशन है, जो कि हम सब के लिए बायस फख्र है। एकेडमी सेक्रेटरी साहब का हम पर जो जो हमारे निगरान हैं, उनका हुक्म है कि इस तरह के प्रोग्राम हर महीने किए जाएं, ताकि आने वाले वक्त में हमें अच्छे लिखने वाले और अच्छे शुरा मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और ये सिलसिला हमने शुरू किया है, आप देखेंगे कि आने वाले जो महीने हैं उनमें भी इस तरह की जो तकारीब का इनेकाद किया जाए। वाज़ेह रहे, इस महफिल मुशायरे में कश्मीर वादी के कई नामवर शुरा हजरात ने नौजवानों का कलाम बखौर सुना, जबकि अदब के तई इन नौजवानों की दिलचस्पी को भी काफी सराहा गया। ईटीवी भारत के लिए श्रीनगर से परवेज उद्दीन की खास रिपोर्ट।